जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। जी अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हरियाणा ज़िले की मौसम की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। हम आपको बता दें, जींद में सुबह से ही झमाझम बरस रहे हैं मेघ, रात को बदल गया था मौसम, बारिश और तेज हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, कल भी होगी बूंदाबांदी। हरियाणा में लगातार बारिश जारी है। हम आपको बता दें, हरियाणा के जींद में पश्चिमी विक्षोभ के असर रात को ही दिखना शुरू हो गया था। गुरुवार अलग सुबह गरज के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से पूरी तरह से मौसम बदल गया। जनवरी में जिले में 75वें बारिश दर्ज की गई थी, वहीं फरवरी माह के पहले दो दिन घना कोहरा देखने को मिला। अब गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं हम आपको बता दें, हरियाणा के मध्य में स्थित जींद में बुधवार शाम को बादलबाजी शुरू हो गई थी। इसके बाद मौसम में तेजी से बदलाव हुआ, आधी रात तक क्षेत्र में बारिश के आसार बने। गुरुवार अल सुबह से ही गरज के साथ बारिश हो रही है, अगले दो दिन तक हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकूला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी जिलों में बुधवार देर रात हुआ गुरुवार सुबह तेज हवाएं चली और बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज होने वाली बारिश के बाद कल भी इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। दिन का आगाज बारिश से, अब बढ़ेगी ठंड। गुरुवार को दिन का आगाज बारिश गरज व बारिश के साथ हुआ। अधिकतम तापमान 18 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हवा की गति 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते कभी छूटती रही, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम देखने को मिली। ठंडी हवा के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए देखा गया। शुक्रवार को भी यही हालात रहेंगे। पांडु पिंडारा कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया, 6 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 3 से 5 फरवरी तक गरज के साथ हल्की व मध्यम बारिश का अनुमान है। गेहूं की फसल को लाभ पहुंचेगा। जी हाँ, ये थी हरियाणा जुड़ी मौसम की ताज़ा अपडेट। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक TR न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। सिया जय हिंद, जय भारत।